नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीट्रॉन P11 से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन के बारे में। बिकॉज ऑफ मैंने इसकी काफ़ी महीने पहले वीडियो बनाई थी और मेरे को काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इसके साथ काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में और इनके सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। करते हैं इस वीडियो को शुरू। प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है लोगों को इस प्रोडक्ट के साथ, वो है कि इसका एक पेयर हो जा रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है तो पहला वाला डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब कि दोनों जो सेट है वो एक साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हो सकता है कि आपको कनेक्ट करना आ नहीं रहा होगा। बिकॉज ऑफ जब मैं इस प्रोडक्ट को लेके आया था, मैंने भी ऐसी चीज़ें फेस करी थी कि एक कनेक्ट हो रहा था दूसरा डिस्कनेक्ट, तो दूसरा को कनेक्ट करो तो पहला डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो मैंने क्या करा, मैं ब्लूटूथ के सेक्शन में गया और वहाँ पे मैंने चेक किया तो P11 के नाम से दो डिवाइसेस दिखा रहे थे। तो मैंने उन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो ऐसे ही चलता रहा। एक दो दिन हो गए, तब भी मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो नहीं रहा था। मुझे भी लगने लगा था कि क्या ये डिफेक्टिव आइटम है, क्या मुझे अपना प्रोडक्ट रिफंड कर लेना चाहिए या फिर रिटर्न कर देना चाहिए। तो बट एक दो दिन के बाद अपने आप ही एक ऐसा आया, मतलब कि एक ही आ रहा था डिवाइस, तो मैंने P11 से कनेक्ट करा, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये दोनों ही कनेक्ट हो गए। और उस दिन से आज का दिन है, मैं इसको रेगुलर इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और जो इसकी स्पीकर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और हाल फिलहाल में इसका प्राइस अराउंड 600 या फिर 599 के अराउंड हो गया था। बेसिकली मैंने इसको खरीदा था 770 के अंडर, बट ये अब थोड़ा ऑफर में निकलते हैं तो सस्ते हो जाते हैं। और इतने कम प्राइस रेंज में कोई भी TWS आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बस इसका जो केस है वो थोड़ा कमज़ोर लगता है, बट ये भी काफ़ी चल जाता है प्राइस पॉइंट के अंदर। अब दूसरी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है लोगों को, कि जो इसका बैक है सी टाइप, वो काफ़ी समय ले रहा है चार्ज होने में। और मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसको जो तार आती है, इस केबल, मतलब केबल भी आती है इसके साथ, तो उससे चार्ज मत करिएगा। आपके पास कोई फास्ट चार्जर हो जो सी टाइप का हो, तो इससे इजीली चार्ज हो जाता है और जल्दी होता है, अराउंड एक घंटे के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कि अब ये दिखा रहा है 68 और वो 100 हो जाता है। और जो उसकी स्पीकर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आपको एयर बिल्कुल भी नहीं मिलती और नॉइस भी काफ़ी कम हो जाती है जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, मतलब आस पड़ोस की आवाज़ भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, गाने चलाते हो तो आपको जो नॉइस होती है वो देखने को नहीं मिलती, और बेस भी काफ़ी अच्छी आती है। और अगर आपका डिवाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत रिटर्न कर देना है। अगर आपका टाइम पीरियड में है 7 डेज नहीं हुए, तो आपको तुरंत इसको रिटर्न या फिर रिफंड के लिए अप्लाई कर देना है। हो सकता है कि आपका डिवाइस फॉल्टी हो, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको तुरंत रिटर्न करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपकी डेट निकल चुकी है रिटर्न की, तो आप इसे सर्विस सेंटर में जाके दिखा सकते हो, वहाँ पर डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।